नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पूरे देश में कोरोना को लेकर अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई। स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, सिनेमा हॉल बंद है और बड़ी सभाएं बंद है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जहां कोरोना की वजह से पत्नी हनीमून से लौटते ही पति को छोड़कर भाग गई। ये मामला है आगरा का। आगरा की रहने वाली एक महिला इटली से हनीमून मनाकर बेंगलुरु लौटी थी। वहां उसके पति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महिला को भी आइसोलेट किया गया, लेकिन वो फ्लाइट से पहले दिल्ली पहुंची, फिर ट्रेन से आगरा आ गई और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए। महिला के पूरे रूट को ट्रेस किया जा रहा है। महिला के पति का बेंगलुरु में इलाज किया जा रहा है। महिला को जब बेंगलुरु से आइसोलेट किया गया तो वो 8 मार्च को बेंगलुरु से दिल्ली और फिर आगरा अपने परिवार के पास चली गई। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर पहुंचे तो पता चला कि वो घर में 8 सदस्यों के साथ रह रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को आइसोलेट करने की बात कही तो सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। उसके बाद जाकर परिवार तैयार हुआ। बहरहाल, महिला की फरवरी में शादी हुई थी और ये जोड़ा इटली में हनीमून के लिए गया था और वहां से ग्रीस और फ्रांस चला गया। 27 फरवरी को वो मुंबई आए और वहां से बेंगलुरु। 7 मार्च को उसके पति का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव निकला और उसके बाद दोनों को आइसोलेट कर दिया गया। महिला ने यह बात अपने घर वालों को बताई तो उसके पिता ने उसे आगरा बुला लिया। अब जरा सोचिए, इस मामले की वजह से अब कितने लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बन गया है।